एक और नया दिन और एक और नई गाड़ी आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ। अपने पास है i20 का स्पोर्ट्स वेरिएंट, जिसमें काफ़ी स्मार्ट सी जो टेल लाइट है वो हमें ऑफर की जाती है। लेकिन सबसे कमाल की चीज़ ये कि पता नहीं इस मंथ में ऐसा क्या है कि गाड़ियों पे इतना ज़्यादा डिस्काउंट मिल रहा है, जो कि हमें फेस्टिवल सीजन पे भी देखने को नहीं मिलता। सबसे पहले डिस्काउंट की बात करते हैं तो आपको i20, वेन्यू एंड अल्कज़ार, इन तीनों गाड़ियों पर आपको 45,000 का डिस्काउंट आज के टाइम पर देखने को मिलता है। हुंडई एक्स्ट्रा पे आपको 10,000 का डिस्काउंट मिल जाता है, एंड ऐसे ही 10,000 से लेकर आपको 4,00,000 तक का जो डिस्काउंट है वो आज के टाइम पे हुंडई अपनी गाड़ियों पे प्रोवाइड कर रहा है। और सेम जैसे मैंने कहा कि पता नहीं इस मंथ में ऐसा क्या है कि काफ़ी सारे ब्रांड अपनी गाड़ियों पे डिस्काउंट दे रहे हैं। आप जाते हो अगर मारुति में तो वो भी अपनी 3 गाड़ियों की प्राइस एक साथ रिड्यूस करके सेम प्राइस में लेके आ रहे हैं, जैसे उनकी एस्प्रेसो, सेलेरियो एंड एल्टो K10। भाई उन्होंने इन तीनों गाड़ियों की 4.99 लाख जो प्राइस है वो रख दी इस मंथ के लिए। बाकी दोस्त टाटा वाले तो अपनी किसी भी गाड़ी पे ऑफर आज के टाइम पे नहीं दे रहे, इवन उन्होंने पंच पे कोई भी ऑफर नहीं निकाल रखा आज के टाइम पे। एंड हम बात करते हैं अपनी गाड़ी के बारे में, तो इसमें कुछ इस तरह की हमें की ऑफर की जाती है। लॉक अनलॉक एंड बूट रिलीज का ऑप्शन है वो मिल जाता है, एंड यहाँ पे हमें एक फ्लिप की मिलती है। तो फ्लिप की को देख के आप समझ गए होंगे कि आपको जो इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन है वो नहीं मिलेगा, आपको एक फिजिकल की भी ऑफर की जाती है। रिसेंटली हुंडई ने डिक्लेयर किया कि वो अब अपनी सभी गाड़ियों के अंदर स्टैंडर्ड 6 एयरबैग्स देंगे। तो भले आप ये i20 का एक जो टॉप सेलिंग वेरिएंट है, जो कि इसका स्पोर्ट्स वेरिएंट है, ये लेते हो, या फिर एक्स्ट्रा का एक बेस वेरिएंट लेते हो तो सबसे नीचे वाला सस्ते वाला है तो उसमें भी आपको स्टैंडर्ड 6 एयरबैग मिलते हैं। चाहे आप इनकी कोई भी गाड़ी लो, सब में आपको 6 एयरबैग ऑफर किए जाते हैं। बाकी गाड़ी का कलर आप देख सकते हो, नेवी ब्लू कलर टाइप का आपको जो कलर है वो इसके अंदर देखने को मिलता है, एंड जो टेक्निकली कलर का जो नाम है वो आपको स्क्रीन पर देखने को मिल जाएगा। की मैंने आपको दिखा दी, फ्रंट में आप देखोगे आपको यहाँ पे जो रिफ्लेक्टर हेडलैम्प है वो मिलता है जो हलोजन के साथ है, टर्न इंडिकेटर, एंड यहाँ पे आपको DRL दी जाती है। यहाँ पे आपको जो एयर कर्टेंस है वो मिलते हैं जो कि फंक्शनल है। स्मार्ट एलॉय व्हील्स आपको यहाँ देखने को मिलते हैं। तो स्मार्ट एलॉय व्हील से मेरा मतलब ये है कि आप देखोगे कि यहाँ पे जो आपको फ्रंट में नज़र आ रहा है ये सिर्फ एक प्लास्टिक कवर है, जो कि आप देख सकते हो सिर्फ प्लास्टिक कवर है, एंड अंदर की तरफ आपको जो ये फ्रेम नज़र आ रही है तो ये है मेटल। तो आपको यहाँ पे स्मार्ट एलॉय व्हील्स देखने को मिलते हैं। तो कह सकते हो कि जैसे कॉस्ट कटिंग है वो यहाँ पे की गई है, बट फिर भी वो जिस भी तरह से की गई है गाड़ी काफ़ी ज़्यादा प्यारी यहाँ लग रही है। डोर पे कोई भी रिक्वेस्ट सेंसर नहीं मिलता, आपको जो विंडो बेल्ट लाइन है वो देखने को मिल जाती है क्रोम में, एंड यहाँ पे आप देखोगे i20 लिखा मिलता है, एंड ये वाला जो पार्ट है आपको एक बॉडी किट का जो सब पार्ट है वो यहाँ पे नज़र आएगा। सेम जैसे आप पीछे आते हो तो यहाँ भी ऐसे लगेगा मतलब गाड़ी काफ़ी ज़्यादा स्पोर्टी बना दी गई है, या फिर आफ्टर मार्केट कोई एसेसरी लगाएगी, तो जो भी वो गाड़ी काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही है। काफ़ी स्मार्ट और एग्रेसिव वाली टेल लाइट है वो सिर्फ इसी गाड़ी में आपको देखने को मिलती है सेगमेंट में, और कोई भी गाड़ी नहीं है जो इतनी तगड़ी और जो फ्यूचरिस्टिक टेल लाइट है वो ऑफर करती है। यहाँ पे आपको रिवर्स पार्किंग कैमरा दिया जाता है विद एडेप्टिव गाइडलाइंस। बाकी जो रियर वाइपर है वो नहीं मिलेगा, डिफोगर, हाई माउंट स्टॉलो, एंड एक इंटीग्रेटेड शार्क फिन एंटीना भी देखने को मिल जाता है। एंड इसके बूट को अनलॉक करें तो अराउंड 351 लीटर्स ऑफ बूट स्पेस हमें दिया जाता है। पार्सल ट्रे है वो भी मिल जाती है, एंड रहा अपना स्पेयर व्हील तो वो आपको स्टील रिम इसके अंदर देखने को मिल जाता है, जो है करीबन 15 इंच का आपको देखने को मिलेगा। एंड जो एलॉय व्हील्स की साइज़ है वो शायद मैंने आपको नहीं बताई, तो एलॉय व्हील्स आपको R16, तो 16 इंचेस के जो स्मार्ट एलॉय व्हील्स है वो इस गाड़ी में दिए जाते हैं। सो गाइस लेट्स गेट इनटू द इंटीरियर। उससे पहले आपको ORM इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल फोल्डेबल एंड जो इलेक्ट्रिक टर्न इंडिकेटर है वो मिल जाता है। कोई भी जो पेडल लैंप वगैरह वो इस पे देखने को नहीं मिलता, ना ही कोई 360 डिग्री कैमरे जैसा फीचर मिलता है। रिक्वेस्ट सेंसर वगैरह कुछ भी नहीं है डोर पे, एंड दिस इज द इंटीरियर ऑफ दिस कार। गाड़ी का जो इंटीरियर है वो डुअल टोन कलर थीम में रखा गया है, आपको ब्लैक एंड ग्रे कलर का कॉम्बिनेशन मिलेगा। गाड़ी में आपको टोटल 6 स्पीकर्स मिलते हैं, जिसमें 4 स्पीकर है और 2 आपको जो ट्विटर्स है वो देखने को मिल जाते हैं। सारे आपको इलेक्ट्रिक कंट्रोल्स है वो नज़र आएंगे, एंड एक ग्लॉस फिनिश के अंदर आपको जो डोर हैंडल है वो मिलता है, एंड कहीं भी इसमें आपको जो सॉफ्ट टच वो नज़र नहीं आएगा, पूरा आपको हार्ड प्लास्टिक मिलेगा। 1 लीटर की बोतल यहाँ आ जाएगी, मैप पॉकेट भी आ जाएगा, एंड सेम यही कॉन्फिग्रेशन आपको रियर डोर पर भी मिलेगी। यहाँ भी आराम से 1 लीटर की बोतल और मैप पॉकेट मिल जाता है, एंड गाड़ी में आपको जो फैब्रिक की सीट अपोस्टी है वो मिलती है, आपको हाइट एडजस्टेबल भी मिल जाते हैं, तो सारे मैनुअल कंट्रोल से वो गाड़ी में दिए गए हैं।
सबसे बढ़िया जो मुझे इस गाड़ी की चीज़ लगती है वो है भाई इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। मुझे आज तक मतलब इनकी कितनी सारी गाड़ियाँ आई या फिर और ब्रांड की भी इससे भारी भारी काफ़ी सारी गाड़ियाँ आई। इवन मुझे XUV 700 भी काफ़ी अच्छी लगती है, सेल्टोस भी काफ़ी अच्छी लगी, बट किसी के अंदर भी जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है ना भाई इस लेवल का नहीं है। मुझे इसका जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर वो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगता है, बहुत ही प्रीमियम लगता है। एक बार जो ये पॉलीथीन है वो रिमूव करता हूँ थोड़ी सी, तो यहाँ अभी आप देखो हटा ही देते हैं, छोड़ो ना वो नहीं देख रहा है। तो यार ये कितनी ज़्यादा प्रीमियम लगती है, मतलब बहुत ही ज़्यादा बढ़िया लगती है। सेमी डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है, वैसे ऑन पेपर सेमी डिजिटल बताया गया है लेकिन देखोगे तो ये फुल ऑन डिजिटल है, कहीं भी आपको एनालॉग इसमें नज़र नहीं आएगा। आपको स्पीडोमीटर, RPM मीटर, सारी चीज़ें इतनी ज़्यादा बढ़िया मिलती है, बस इसलिए मुझे इसका जो ये इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है बहुत ही ज़्यादा नेक्स्ट लेवल लगता है। एंड ये है हमारा इंफोटेनमेंट सिस्टम, 8 इंच का इंफोटेनमेंट मिलता है, एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले का सपोर्ट मिल जाता है। हाँ लेकिन वायरलेस नहीं मिलेगा, आपको वायर्ड ही देखने को मिलेगा। सबसे बढ़िया चीज़ क्या है कि आपको यहाँ पे जो सारे फिजिकल कंट्रोल हैं वो मिलते हैं, आपको कोई भी टच पैनल वाली दिक्कत नहीं है। क्योंकि टच पैनल यार गाड़ी चलाते टाइम आपको काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि आपको पता नहीं चलेगा, टच फीडबैक नहीं आता वहाँ पे कि बटन क्लिक हो गया नहीं हो गया। यहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि हाँ भाई बटन क्लिक हो गया है, तो वो सारी चीज़ें यहाँ देखते हैं। जैसे कोई टच पैनल जैसी चीज़ें है क्या, मतलब कोई स्क्रीन वगैरह है क्या बटन पे? नहीं यार पूरा ब्लैक है। वैसे कोई भी मुझे लगा जैसे यहाँ पे भी कुछ लाइटनिंग वगैरह कुछ नज़र आएगा, इल्यूमिनेटेड वैसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पूरा डैशबोर्ड आपको हार्ड प्लास्टिक में नज़र आएगा, कहीं भी सॉफ्ट टच इस पर नहीं है। हाँ लेकिन एसी वेंट्स पे आप देखोगे आपको यहाँ पे इल्यूमिनेटेड लाइट मिलेगी हर एक बटन पे, एंड ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल मिल जाता है। नीचे की तरफ आपको मोबाइल के लिए काफ़ी बढ़िया स्टोरेज मिलता है, टाइप सी पोर्ट मिलता है, USB पोर्ट मिलता है, एक USB पोर्ट आपको रियर में भी मिल जाता है, और यहाँ पे एक 12 वोल्ट का सॉकेट मिलता है। एंड अपना जो स्टेयरिंग व्हील है वो, हाँ तो भाई टिल्ट और जो टेलीस्कोपिक स्टेयरिंग व्हील है वो इस गाड़ी में दिया जाता है। अब सबसे बड़ी जो आप लोगों की एक डिमांड रहती है कि भाई हमें तो डीजल इंजन में ज़्यादा स्वाद आता है, उसी में तो पावर और फील है, वो मतलब टॉर्क वाली जो चीज़ें हैं वो सारी हमें उसी इंजन में देखने को मिलती है। पर अफसोस इस गाड़ी में जो डीजल इंजन है पहले आता था, अभी बंद हो चुका है। रीज़न भाई देखो हुंडई ने अपनी मर्जी से बंद नहीं किया, इनको भी यार मज़ा आता था वो इंजन बेचने में। वो बंद हुआ है भाई आपकी प्यारी गवर्नमेंट की वजह से, क्योंकि उन्होंने भाई जो BS6 वाले जो नॉर्म्स है वो लाए थे, जिसकी वजह से वो इंजन चला गया। अब देखो डीजल इंजन में कार्बन इमिशन थोड़े से ज़्यादा होते हैं पेट्रोल के मुताबिक, तो वो इंजन ज़्यादा सर्वाइव नहीं कर पाया इसलिए बेचारा चला गया। एंड अभी के टाइम पे गाड़ी सिर्फ आपको पेट्रोल में मिलेगी, 4 सिलेंडर नेचुरल एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन आता है, जो आता है करीबन 1.2 लीटर का 4 सिलेंडर। पावर मिलती है आपको 81 BHP एंड 114 Nm का टॉर्क मिल जाता है, तो पंच के साथ की ही पावर है, कोई ज़्यादा 19-20 का फर्क है उतना कुछ खास फर्क इसमें नज़र आएगा नहीं। पर देखो ऑब्वियसली 4 सिलेंडर है तो पंच से तो काफ़ी ज़्यादा स्मूथ रहेगी, इसका इंजन काफ़ी ज़्यादा स्मूथ आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको जो लाइन्स है वो AC वेंट तक इस तरह से नज़र आती है, जो पूरे डैशबोर्ड पर फॉलो करती नज़र आएगी। कूल्ड आपको ग्लव बॉक्स मिलता है, यहाँ से इसकी कूलिंग आप ऑन ऑफ कर सकते हो। एंड ये चीज़ मुझे इसमें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी, मतलब ये क्या प्लेसमेंट हुई। देखो मेरी अभी जो सिटिंग पोजीशन एकदम परफेक्ट है, यहाँ से मैं गाड़ी काफ़ी आराम से चला सकता हूँ। तो भाई देखो अब मैं जैसे यहाँ पे नॉर्मल इसी तरह से तो हम रखते हैं कि हमारा हाथ गियर पे भी रहता है और थोड़ा आर्मरेस्ट पे रहता है, तो ये आर्मरेस्ट भाई किस काम में आ रहा है, मतलब सिर्फ इतना इतना पार्ट मेरे यूज़ आ रहा है, बाकी में ये किसी लिए दिया है। अब जैसे अभी आपको मैं पीछे जाके दिखाऊंगा, ये पीछे फालतू का पड़ा है और काफ़ी ज़्यादा निकल रहा है, इवन जो पीछे पैसेंजर बैठेगा ना उसको भी ये बीच में आएगा। आपको 2 ग्लास होल्डर मिलते हैं, मैनुअल हैंड ब्रेक, एंड आपको 5 स्पीड मैनुअल गियर बॉक्स दिया जाता है, आपके पास ऑटोमेटिक का भी ऑप्शन है। और ये चीज़ें जो मैं वरना में काफ़ी ज़्यादा मिस करता हूँ, ये वाला स्टेयरिंग व्हील, मुझे मतलब इनकी गाड़ी के जैसे दो चीज़ें काफ़ी ज़्यादा पसंद है मुझे, एक तो इनका ये वाला इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और एक इनका ये वाला स्टेयरिंग व्हील। आप किसी और ब्रांड की गाड़ी में जाओगे वहाँ पे नॉर्मल स्टेयरिंग व्हील है, वो 3 स्पोक स्टेयरिंग व्हील आती है, एक यहाँ जॉइंट है एक यहाँ जॉइंट है, बट यहाँ पे ये जो बटरफ्लाई वाला जैसा स्टेयरिंग व्हील मिलता है भाई बहुत ही ज़्यादा नेक्स्ट लेवल लगता है। डुअल टोन कलर थीम में है, कोई भी लेदर ऐप वगैरह नहीं है, लेकिन आपको वॉइस कंट्रोल एंड टेलीफोनिक कंट्रोल, ऑडियो कंट्रोल, क्रूज कंट्रोल, हर एक चीज़ मिल जाती है गाड़ी की। जैसे मैंने प्राइस नहीं बताया आपको, 8.38 लाख एक शोरूम में आ जाती है, ऑन रोड जाते जाते करीबन 9.5 लाख की पड़ जाएगी, पर जैसे 45,000 का डिस्काउंट मिल रहा है तो मोटा मोटा आप मान के चलो कि 9 लाख में गाड़ी घर पर आ जाएगी। बाकी ऑटोमेटिक हेडलैम्प मिलते हैं, फॉलो मी हेडलैम्प फंक्शन के साथ आते हैं, नॉर्मल आपको वाइपर मिलते हैं, एंड मैनुअल डिमिंग आपको IRVM दिया जाता है, हैलोजन लाइट मिलती है, ग्लास होल्डर मिल जाता है, एंड ये है हमारा टिकट होल्डर, एंड आई थिंक यहाँ पर वैनिटी मिरर ही होगा, तो कोई लाइट नहीं है, वैसे वैनिटी मिरर मिल जाता है। एंड अब जिस नेगेटिव की मैं बात कर रहा था वो मैं आपको दिखाता हूँ इस गाड़ी में, जो मुझे बस मुझे इस गाड़ी में सिर्फ शायद यही एक चीज़ है जो मुझे अच्छी नहीं लगी। एक तो इसका आर्मरेस्ट की जो पोजीशन है
और पीछे के लिए भी ये काफ़ी ज़्यादा अनकम्फर्टेबल है, वो चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ एक बार। जो चलो गाड़ी ऑन देते हैं, बस ये जो एसी का टेम्परेचर कम कर देते हैं। यहाँ पे आपको ये मिल जाता है जैसे ट्रैक्शन कंट्रोल, आइडल स्टार्ट स्टॉप और हेडलैम्प लेवलर दिया जाता है। एंड आप चलते हैं इसमें पीछे। तो दोस्त रियर में जैसे आओगे तो देखो ये चीज़ मुझे बढ़िया लगी कि यहाँ पे अंडर थाई सपोर्ट काफ़ी अच्छा है, सीट भी आगे काफ़ी आपको अच्छी मिलती है, तो यहाँ पे मुझे कंफर्ट इसका काफ़ी बढ़िया लगा। बट रियर में आपको फिक्स्ड हेडरेस्ट दिए जाते हैं, कोई भी आर्मरेस्ट जैसी चीज़ नहीं है। इवन आपकी जो सीट है वो भी आपको 100% स्प्लिट मिलेगी, जो 60-40 स्प्लिट है वो नहीं मिलती। रियर में एसी वेंट है, स्टोरेज है एंड यूएसबी पोर्ट है। अब ये चीज़ आप देखो, फ्रंट की सीट मेरी हाइट के अकॉर्डिंग एडजस्ट है, मेरी हाइट है 5.11 फीट, तो उसके अकॉर्डिंग मैं गाड़ी अच्छे से चला सकता हूँ इस पोजीशन पे बैठ के। उसके अकॉर्डिंग मेरे पास यहाँ पे स्पेस वगैरह मिल जाता है। पर अब आप ये देखो कि ये पार्ट यहाँ पे कितना बाहर निकल रखा है। यहाँ पे जो पैसेंजर बैठेगा थर्ड पैसेंजर बीच, तो उसको यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इनकन्वीनियंस होगी इसकी इस पोजीशन की वजह से। तो ये एक मुझे लगा ड्रॉबैक इसमें काफ़ी बड़ा है, तो ये चीज़ यार थोड़ी सी फिक्स होनी चाहिए। बाकी रियर में भी आपको जो रीडिंग लैंप है वो दिया जाता है इस गाड़ी में। दोस्त हालांकि मैं गाड़ियों में जो एकदम जेन्युइन कोई अगर कमी होती है सिर्फ वही हाईलाइट करता हूँ, मैं ज़्यादा हर एक चीज़ में कमी नहीं निकालता। तो जो मुझे इस गाड़ी में लगी वो थी भाई, पहली चीज़ तो ये इसका आर्मरेस्ट, इसकी पोजीशन बिल्कुल भी सही नहीं है। मतलब सिर्फ इतने इतने पार्ट पर आपका जो हाथ है उसकी सिर्फ कोनी टिकेगी और बाकी कुछ भी नहीं है। एंड सेकेंड चीज़ है इसका ये, मैं तो देखो काफ़ी सारी गाड़ियों की वीडियो शूट करता हूँ तो मुझे तो इस चीज़ का एक्सपीरियंस है कि पोजीशन कहाँ होनी चाहिए, बट इसकी जो पोजीशन है वो मुझे काफ़ी थोड़ी वियर्ड लगी, काफ़ी ज़्यादा ही नीचे और अंदर की तरफ है। सो गाइज ये थी हमारी i20 स्पोर्ट्स वेरिएंट, जिसकी एक्स शोरूम प्राइस मैंने बताई 8.38 लाख एक्स शोरूम में आ जाएगी, ऑन रोड 9.5 लाख तक चली जाती है, पर डिस्काउंट चल रहा है इसलिए आपको मोटा मोटा 9 लाख में गाड़ी आपके घर पर आ जाएगी। तो हुंडई की सभी गाड़ियों पर जो डिस्काउंट चल रहा है उसकी लिस्ट आपको स्क्रीन पर देखने को मिल जाएगी। बाकी शोरूम से रिलेटेड सारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको स्क्रीन एंड डिस्क्रिप्शन में नजर आएंगे। एंड मुझसे अगर गाड़ी से रिलेटेड आपको कुछ भी पूछना है तो वही बेझिझक आप डिस्क्रिप्शन में पूछ सकते हो, एंड मैं सबका आंसर आपको देने को एकदम मतलब 24 घंटे तैयार बैठा हूँ यार। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो मेक श्योर लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना, एंड वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।